जुल्मों और अत्याचारों के आगे ना झुकने वाला और बुजदिलों की तरह पीठ दिखाकर ना भागने वाला देवा शेर आज पूरे 15 वर्ष का हो गया है। देवा जिसने खुद को बचपन से इतना मजबूत और ताकतवर बना लिया था, उसके मजबूत इरादे और ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाता था। देवा जिसने खुद को बचपन से इतना मजबूत और ताकतवर बना लिया था, उसके मजबूत इरादे और ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाता था। देवा का इंसाफ कानून के नियम, उसूलों और उन जंजीरों से बिल्कुल अलग था, जहां एक सच्चे ईमानदार जानवर की कोई जगह नहीं थी। देवा अपने रास्ते में आने वाले हर मुसीबत और जुल्मों को मिटाते हुए चलता। देवा ने थोड़े ही समय में आसपास के सभी जंगलों में खुद को अपना मसीहा मान लिया था। देवा ने थोड़े ही समय में आसपास के सभी जंगलों में खुद को अपना मसीहा मान लिया था। जंगल के जानवर देवा की बहुत इज्जत करते थे और सभी उसके इंसाफ के आगे सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। कुछ ऐसी ही थी देवा की जिंदगी। इन सब के बाद देवा जिसे सबसे ज्यादा चाहता था और सबसे ज्यादा प्यार करता था, वह था उसका बड़ा भाई शिवा। देवा और शिवा दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जहाँ जंगल में सभी देवा के इंसाफ की इज्जत करते और उसके कहर से डरा करते थे, वहीं दूसरी तरफ देवा के पिता रुद्र प्रताप फिर अपने बेटे देवा से बिल्कुल खुश नहीं थे। रुद्र प्रताप हमेशा से देवा के खून खराबी भरी जिंदगी से अपने बेटे को निकालना चाहते थे और देवा को एक शांति भरा साधारण जीवन जीते हुए देखना चाहते थे। शिवा मेरे भाई, मैं तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। 8 सालों बाद मुझे ये खुशी देखने को मिली है। ये सब छोड़ो देवा, देखो देवा, आज तुम कई दिनों बाद घर लौट रहे हो। पिताजी और माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई, भगवान के लिए आज तुम पिताजी के सामने ऐसी कोई बात मत कर देना जिसे सुनकर पिताजी फिर से तुमसे नाराज हो जाएं। देवा और शिवा आज अपने घर अपने माता पिता के पास आते हैं। पिताजी पिताजी, देखिए देवा आया है। हाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ जिसके हाथ हमेशा खून से भरे रहते हैं, जिसने कभी अपने बड़ों का कहना नहीं माना, जिसके लिए ये खून खराबा और लड़ाई झगड़ा अपनों से बढ़कर हो गया है, जिसने अपनों को छोड़कर इन सबको अपनी जिंदगी मान लिया है। देखिए, आप मेरे बेटे देवा को इस तरह मत डांटिए, आज वह कई दिनों बाद घर वापस लौटा है। नहीं माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हमेशा उनके खिलाफ चला हूँ, मैंने कभी उनका कहा नहीं माना, लेकिन पिताजी ये भी सच है कि मैं बुजलों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैंने बचपन से खुद को इतना ताकतवर और मजबूत इसलिए बनाया है ताकि मैं इस बेरहम दुनिया से अपने परिवार को बचा सकूँ। जहाँ देवा जुल्मों और बुराइयों से लड़कर उन्हें अपने जंगल से हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, वहीं देवा के कुछ ऐसे दुश्मन भी बन गए थे जो उसे गिराना चाहते थे। देवा के सबसे बड़े दुश्मनों में जिंदाल, तेजा और पाशा थे। वे तीनों सगे भाई थे। इस देवा ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, हमारे सारे कारोबार बंद पड़े हैं, जंगल में कोई हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। इस देवा ने अपने इंसाफ से सभी को अपनी ओर खींच लिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब सड़कों पर आ जाएंगे, हमें इसका कुछ करना होगा। एक शाम तेजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में गैर कानूनी तरीके से लकड़ियां काटकर उनका काला व्यापार चला रहा था। इसी बीच शिवा अपने काम से घर वापस लौट रहा था। उसने अपनी आंखों से जंगल में ये काला व्यापार होते हुए देखा। शिवा तेजा के पास गया। तेजा, ये सब तुम जो जंगल में कर रहे हो वो सब गैर कानूनी है, तुम इसी वक्त अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तेजा, शिवा तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ। यह कहकर तेजा शिवा पर हमला करता है और शिवा को घायल करके वहाँ से भगा देता है। शिवा खून से लथपथ घायल अवस्था में अपने भाई देवा के पास आता है। देवा अपने भाई शिवा की हालत देखकर हैरान हो जाता है। शिवा मेरे भाई, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? देवा, जंगल में तेजा अपने सिपाहियों के साथ गैर कानूनी तरीके से जंगल की लकड़ियों को काटकर व्यापार चलाता है, आज मैंने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने अपने सिपाहियों के साथ मुझ पर हमला कर दिया। उस तेजा की इतनी हिम्मत, उसने मेरे भाई को छुआ। शिवा तुम पिताजी और माँ के पास जाओ, मैं उस तेजा को देखता हूँ। देवा अपने सिपाहियों के साथ तेजा की तरफ निकलता है। उधर तेजा जंगल से लकड़ियां लेकर अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था, तभी देवा उसके आगे आकर तेजा का रास्ता रोक लेता है। देवा, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है, इस बात का क्या मतलब है?
तेजा, इस बात का मतलब तुझे अभी पता लगेगा। आज तूने मेरे भाई शिवा को चोट पहुंचाकर मुझे चोट पहुंचाई है, अब तू देवा का इंसाफ देखेगा। तब देवा अपने सिपाहियों के साथ तेजा और उसके सिपाहियों पर हमला कर देता है। देवा के सिपाही तेजा और उसके सभी सिपाहियों को खून में नहला देते हैं। सुबह जब जिंदाल और पाशा दोनों भाई जंगल में थोड़ा आगे निकलते हैं, तभी उन्हें अपने सामने अपने छोटे भाई तेजा और उसके सिपाहियों की लाशें खून से लथपथ दिखाई देती हैं, और उन लाशों के पास तेजा का एक घायल सिपाही खड़ा होता है। मेरे भाई और उसके सिपाहियों की ऐसी हालत किसने की? कौन है वो बुजदिल जिसने हमसे हमारे छोटे भाई को छीन लिया? महाराज, ये सब देवा ने किया है। उसने अपने सिपाहियों के साथ हम पर अचानक से हमला किया और तेजा के साथ हमारे सारे सिपाहियों को मार डाला। आज देवा ने हमसे हमारे छोटे भाई को छीना है। मैं देवा पर ऐसा कहर बरसाऊंगा, मैं उसके सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। उसने मेरे भाई को मारकर अपनी मौत को ललकारा है। हम उसे ऐसी मौत देंगे कि उसकी आने वाली सातों पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तब दोनों भाई जिंदाल और पाशा मिलकर देवा को मारने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन एक भालू देवा के पिता रुद्र प्रताप के पास आता है। महाराज महाराज, जंगल से अभी अभी एक खबर आई है, आपका बेटा देवा उसे दुश्मनों ने जंगल की पहाड़ी पर घेर लिया है। देवा दुश्मनों के बीच अकेला घिरा है महाराज, देवा की जान खतरे में है। भालू के मुंह से देवा की बात सुनकर रुद्र प्रताप फौरन भालू के साथ पहाड़ी की ओर जाता है। भालू रुद्र प्रताप को लेकर पहाड़ी पर आ जाता है। वहां आकर वह अपने खाल उतार लेता है जो कि भालू की खाल में जिंदाल था। तभी पीछे से अपने सिपाहियों के साथ पाशा झाड़ियों से निकलकर वहां आता है। आओ रुद्र प्रताप आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तुम ही हो उस सपोले देवा को पालने वाले। तुम्हारा वह बेटा देवा खुद को क्या समझता है? उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। तुम्हारे बेटे देवा की वजह से आज हमारे सारे कारोबार बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे ने आज मेरे छोटे भाई तेजा को मुझसे छीन लिया। जैसे आज हम अपने भाई तेजा के लिए तड़प रहे हैं, वैसे ही देवा तुम्हारे लिए तड़पेगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और लटका दो इसे सूली पर। मैं इसे ऐसी मौत दूंगा, इसका वो बेटा देवा फिर कभी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। जिंदाल के सिपाही देवा के पिता रुद्र प्रताप को सूली पर लटका देते हैं। जिंदाल, पाशा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देवा ने तुम्हारे भाई के साथ जो किया, मुझे उसका अफसोस है। मैं देवा को समझाऊंगा, वह फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं रुद्र प्रताप, अब तू चाहे कितना भी हमारे सामने गिड़गिड़ा ले, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। और तेरा यहाँ अपनी जान के लिए गुहार लगाना भी बिल्कुल बेकार है, यहाँ तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। तभी इतने में देवा अपनी एक विशाल सेना लेकर वहाँ पहुँचता है। जिंदाल, पाशा, एक बूढ़े पिता के सुनने के लिए अभी उसका बेटा जिंदा है। तुम दोनों ने मेरे पिता को यहाँ कैद करके बहुत ही घटिया हरकत की है। आज मैं तुम दोनों भाइयों को भी तुम्हारे छोटे भाई तेजा के पास भेज दूंगा। ऐसा कहकर देवा अपने सिपाहियों के साथ जिंदाल और पाशा पर हमला कर देता है। देवा के सिपाही एक एक करके जिंदाल और उसके सभी सिपाहियों को मार डालते हैं। वहीं अकेला देवा जिंदाल और पाशा दोनों भाइयों पर कहर बन के टूटता है और एक ही वार में जिंदाल और पाशा दोनों भाइयों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। देवा अपने पिता को आजाद कराता है। पिताजी, मैं बुरा नहीं हूँ और ना ही मैं अपने काम को बुरा मानता हूँ। पिताजी, ये जालिम दुनिया ऐसी ही है, यहाँ शैतान को मारने के लिए शैतान बनना पड़ता है। पिताजी, बनना पड़ता है। देवा, मुझे माफ कर दो बेटा, आज मुझे तुम्हारी सारी बात समझ आई है, मुझे तुम पर नाज है। देवा, आज बरसों बाद अपने बारे में सुनकर देवा बहुत खुश होता है और अपने पिता के साथ घर वापस लौट जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगली स्टोरी कैसी चाहिए।